चैप्टर इज व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बच्चों को डेमोक्रेसी का मीनिंग क्लियर होना चाहिए बच्चे, है ना। डेमो का मतलब होता है पीपल, ठीक है, एंड क्रेसी मीन्स रूल। क्रेसी वर्ड जो है क्रेशिया से बना है, सी आर ए टी आई ए, ये लैटिन वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है, रूल। तो डेमो मीन्स पीपल, क्रेसी वर्ड क्रेशिया से बना है, लैटिन में इसको रूल कहते हैं। तो अल्टीमेटली डेमोक्रेसी इज व्हाट, रूल ऑफ पीपल भी कह सकते हैं, रूल बाय पीपल भी कह सकते हैं, ठीक है। कई बार वन मार्क में आपको पूछा जा सकता है डिफाइन डेमोक्रेसी, तो डिफाइन का मतलब मीनिंग क्लियर करने के बाद आप अब्राहम लिंकन की जो डेफिनेशन है वो बता सकते हो, द डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। जब पीपल कॉमन ही है, हर जगह पीपल है, तो अल्टीमेटली उसको क्या दिया जाता है, राइट टू वोट। दिस इज अ फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, सो दैट पीपल कुड कैन इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड लीडर्स एंड इवन दे कैन चेंज देम इफ दीज पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल और रिप्रेजेंटेटिव दे आर नॉट मेकिंग बेस्ट पॉलिसीज फॉर देम। दिस इज डेमोक्रेसी। इन एंशियंट टाइम डायरेक्ट डेमोक्रेसी वॉज पॉसिबल, यू नो, एट दैट टाइम ऑल द पीपल, नो पार्लियामेंट वॉज देयर, ऑल द पीपल डायरेक्टली दे पार्टिसिपेट इन द लेजिस्लेशन प्रोसेस। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो दो तरह की होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी होती है जिसमें पुराने टाइम पर, जैसे स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में ना कैंटन्स होते थे और उन कैंटन्स में पॉपुलेशन जो साइज था 600-700 ग्रुप होता था, और उसमें से द मैन हु वर वेरी एक्सपीरियंस, जो बहुत एक्सपीरियंस होते थे, वो क्या करते थे, प्रॉपर एक, जैसे आजकल के टाइम में स्टेडियम होता ना एक हॉल या एक काइंड ऑफ, जैसे हम कहते हैं ग्राउंड, उस ग्राउंड में वो सभी आकर मिलते थे और अपने लिए खुद लॉ बनाते थे। तो इसमें कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता था, सिटीजन्स दे डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग भी कह सकते हो और लॉ मेकिंग, यानी कि उस टाइम पीरियड में लोग अपने लिए खुद लॉ बनाते थे, दैट वॉज कॉल्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, वैसे वैसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब इंडिया जैसी कंट्री में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं। अनदर नेम ऑफ इनडायरेक्ट इज और रिप्रेजेंटेटिव, वाई, बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट पीपल दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दीज रिप्रेजेंटेटिव मेक लॉज। इसका मतलब है लोग खुद नहीं डायरेक्ट लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट करते, जिनको वो चुनते हैं, ठीक है, वो बनाते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसीलिए इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा गया। तो हमारी कंट्री में क्या है, इनडायरेक्ट है और हम ये कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है। हम कई बार क्या होता है, आपको साथ ही कंपेयर करना भी आ सकता है, अगर किसी कंट्री में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ठीक है, तो उसको कंपेयर करो। आपको डेमोक्रेसी के अलावा और भी टाइप ऑफ गवर्नमेंट पता होने चाहिए। मैं 5-6 लिख रही हूँ, आप सबको 1 मार्क के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए। वैसे तो आपने सारा पढ़ा ही है, लेकिन फिर भी एक बार क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ऑटोक्रेसी, नंबर 1 ऑटोक्रेसी, ये आपने पढ़ा था रशियन रेवोल्यूशन, ऑटोक्रेटिक रूलर, जिसमें जार निकोलस क्या था, ऑटोक्रेटिक, ऑटो मीन सिंगल, ऑटो देखते हैं ना, ऑटो कौन चलाता है, एक ही पर्सन चलाता है ना, ठीक है, जैसे ऑटो को एक पर्सन चलाता है, ऐसे गवर्नमेंट को भी कौन चलाता है, ओनली 1 पर्सन। इट मीन्स ऑल द पावर्स आर इन द हैंड ऑफ ऑटोक्रेटिक रूलर, द टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल द पावर्स आर इन सिंगल हैंड। ये सिंगल हैंड कोई भी हो सकता है, किंग भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, क्वीन भी हो सकती है, ऑटोक्रेटिक रूलर, मोनार्की। नेक्स्ट इज मोनार्की,
इसमें कौन है? मोनार्क. मोनार्क मीन्स किंग. द गवर्नमेंट इन विच रूल ऑफ किंग और क्वीन प्रिवेल्स, लाइक इन इंडिया मुगल डायनेस्टी. मुगल डायनेस्टी क्या थी? मोनार्की सिस्टम. ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं इंग्लैंड. आज के टाइम पर में तो इंग्लैंड में डेमोक्रेटिक सिस्टम भी है, लेकिन पहले इंग्लैंड में जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था उस टाइम पर में इंग्लैंड में कंप्लीट मोनार्की सिस्टम था. नो डाउट आज भी इंग्लैंड की क्वीन के बारे में लोगों के मन में बहुत रिस्पेक्ट है, पर इसका मतलब है कि वहां पे लोगों के पास राइट टू वोट है. वो प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं, क्वीन भी है. ठीक है, क्वीन का अलग रोल है. जैसे हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर है. प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, लेकिन क्वीन इज नॉट इलेक्टेड. उनकी अपनी एक फैमिली है और उनकी फैमिली का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतना नहीं है, लेकिन उनको रिस्पेक्ट देने के लिए उनसे कुछ एडवाइस ली जा सकती. लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट उनको प्रॉपर फंड देती है. बकिंघम पैलेस जो क्वीन का पैलेस है और क्वीन की जो फैमिली है उनका सारा जो खर्च है वो कौन उठाती है? गवर्नमेंट. ठीक है, और आगे से आगे उनको रॉयल, रॉयल का मतलब होता है अभी भी वहां पे रॉयल्टी, क्योंकि हमारी कंट्री में तो रॉयल सिस्टम खत्म कर दिए. ठीक है, लेकिन एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स वगैरह सारा खत्म कर दिया, लेकिन वहां पर अभी भी टाइटल्स और मोनार्की सिस्टम जो है काइंड ऑफ पार्शियल मोनार्की इज देयर. ठीक है, देन नेक्स्ट इज डिक्टेटरशिप. ये टर्म आपने दो बार पढ़ी है. पहली टर्म आपने पढ़ी नेपोलियन बोनापार्ट के टाइम पीरियड में, डिक्टेटर. वो भी डिक्टेटर था, लेकिन वो क्या था? मिलिट्री डिक्टेटर. वो आर्मी का कमांडर था और उसने कंट्री की वीक कंडीशन का फायदा लिया एंड ही बिकेम द मिलिट्री डिक्टेटर. लेकिन आपने एक और डिक्टेटर पढ़ा है, हिटलर. हिटलर ने क्या किया था? पॉलिटिक्स ज्वाइन करके डेमोक्रेसी से आया और कंट्री को क्या चेंज कर दिया? उसका सेटअप चेंज कर दिया बाय मेकिंग अ एक्ट, लॉ बनाकर. तो डिक्टेटरशिप का मतलब होता है द टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच वन पर्सन कैन रूल, ग्रुप ऑफ पर्सन कैन रूल, एंड जिसमें इलेक्शंस नहीं होते एंड लीडर इज इलेक्टेड फॉर थ्रू आउट द लाइफ. यानी कि एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें लीडर अपने आप को इलेक्शंस जो है कंट्री में इलेक्शंस नहीं करवाता, और एक बार जब लीडर बन जाता है थ्रू आउट हिज लाइफ वो अपने आप को कंट्री का डिक्टेटर और लीडर डिक्लेयर कर देता है, जैसे हिटलर ने किया, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट ने किया. ठीक है, तो मिलिट्री डिक्टेटर भी सेम, जैसे परवेज मुशर्रफ का आपने पढ़ा, मिलिट्री डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ का आईडी उसमें पढ़ा था आपने. परवेज मुशर्रफ मिलिट्री डिक्टेटर, उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया, बाद में चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए, और उसके बाद धीरे धीरे रेफरेंडम करवाया और खुद वो कंट्री के क्या बन गए? प्रेसिडेंट. और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री है क्योंकि यहाँ पे रेफरेंडम के द्वारा लोगों ने उसको प्रेसिडेंट चुना. ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स होती हैं. लेकिन हमने कहना है व्हाई डेमोक्रेसी इज बेस्ट, व्हाई इट इज बेस्ट, इन सब में से डेमोक्रेसी बेस्ट क्यों है? इसके लिए हमने क्या पढ़े थे? मेरिट्स, फीचर्स. डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या होते हैं, मेरिट्स क्या होते हैं? तो तब तो हमने लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किया था, लेकिन अब आपको फीचर्स पता होने चाहिए या उन फीचर्स के बारे में डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए. जब भी डेमोक्रेसी का आइडिया आपके माइंड में आता है, सबसे पहले आपके माइंड में आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. व्हाट इज द मीनिंग? अब आपको मीनिंग की फॉर्म में आ सकता है. यूनिवर्सल मीन्स टू ऑल, एडल्ट का मतलब होता है 18 ईयर से ज्यादा मेल और फीमेल. फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है? राइट टू वोट. इसका मतलब क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्रीज क्या है? अपनी कंट्री में मेन और वुमेन के बीच में पॉलिटिकल राइट्स के रिगार्डिंग जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती. ठीक है, देन सेकंड इसका बेस्ट फीचर, डेमोक्रेसी का बेस्ट फीचर क्या होता है? सेकंड फीचर क्या होगा डेमोक्रेसी का? यस बताइए. रिस्पॉन्सिबल, वेरी गुड. रिस्पॉन्सिबल भी कह सकते हो, आंसरेबल भी कह सकते हो, लेजिटिमेट भी कह सकते हो. इसका मतलब, सिंपल मतलब क्या है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लॉज बनाती है. जो लॉज किसमें लिखे गए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मेक लॉज अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन. लेजिटिमेट का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू लॉ. गवर्नमेंट बदलती रहती, 5 साल के बाद कांग्रेस आई, 5 साल के बाद बीजेपी आई, 5 साल के बाद कोई और गवर्नमेंट आई. Keep on changing, but constitution will remain same. And all the MPs or MLAs, prime minister, they will frame policies, they will make laws according to written in the constitution. अगर वो constitution को change करते हैं तो that is called amendment. आप उसके लिए क्या होता है? Proper procedure follow करते हैं. ऐसे नहीं परवेज मुशर्रफ की तरह आकर constitution को change कर दो.
और इसके लिए भी हमारी कंट्री में बहुत टफ प्रोसेस है, रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो इस तरह से मैं कह सकते हैं कि हमारी कंट्री में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है, आंसरेबल है, और इसीलिए ये बेस्ट है। क्यों डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेस्ट होती है? क्योंकि वो आंसरेबल है। आंसरेबल का मतलब क्या होता है? पीपल कैन आस्क क्वेश्चंस। जैसे आपने देखा होगा कि लोकसभा में जब आप मॉक पार्लियामेंट या फिर आप काइंड ऑफ ऐसे क्वेश्चन और देखते हो लोकसभा में, ऑपोजिशन कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर एंड रूलिंग पार्टी एंड मिनिस्टर, ठीक है। और इसका लाइव एग्जांपल भी आप टीवी में देख सकते हो, क्योंकि इसकी जो है वो टेलीकास्ट होता है। ट्रांसपेरेंसी, इसको हम क्या कह सकते हैं? ट्रांसपेरेंट। अब मुझे बताइए, रिसेंटली तालिबान ग्रुप ने अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया, हाईजैक काइंड ऑफ कर लिया, तो क्या अफगानिस्तान गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट होगी? नो। प्रेसिडेंट जो थे अब चेंज हो गए, घानी, अशरफ घानी कंट्री छोड़कर चले गए, है ना। उसके बाद अब तालिबान जो है ग्रुप वो अफगानिस्तान को कंट्रोल कर लिया, क्या ये डेमोक्रेटिक होगा? ना वहां पे यूनिवर्सल राइट रिकॉग्नाइज होगा, वेमेन नॉट सिक्योर, रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, आंसरेबल नहीं होगी, लेजिटिमेट कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं होगा, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट, तो अपने आप देखो कि अब अफगानिस्तान कंट्री जो है वहां के लोगों को कितना सफर करना पड़ेगा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेस्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लोगों को क्या दी जाती है? फंडामेंटल राइट्स। राइट्स आर गिवन टू पीपल, फंडामेंट कुछ भी लिख सकते हो, फंडामेंटल राइट दिए जाते हैं। कितने फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास? सिक्स राइट्स है। एंड यहाँ पे सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम क्या है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में एनीबॉडी कैन बी डिटेन, अरेस्ट एंड डिपोर्ट, एग्जाइल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रॉपर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू द सिटीजंस इज गिवन इन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इलेक्शन फ्री एंड फेयर, जितने मर्जी फीचर्स लिखो। सपोज मैं वन मार्क के अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं, व्हाट डू मीन बाय फ्री एंड फेयर इलेक्शन? फ्री एंड फेयर का मतलब क्या होता है, दैट हमारी कंट्री में इलेक्शन जो है उसके लिए किसी को मनी नहीं देना पड़ता। फेयर का मतलब है टू होम पीपल आर वोटिंग, द रिजल्ट इज फेयर, रिजल्ट चेंज नहीं होता है, जैसे आपने देखा मैक्सिको में चेंज होता है, जिम्बाब्वे में होता है, ठीक है। तो बेसिकली वी कैन से दैट वी आर वेरी लकी, वी आर लिविंग इन डेमोक्रेटिक, बट सिर्फ पीपल क्रिटिसाइज पॉलिटिकल एनवायरमेंट में, अभी भी लोग जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं, बिकॉज पीपल दे आर गिवन राइट टू क्रिटिसिज्म, उनको मिला है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के द्वारा आप शाम के टाइम पीरियड में कोई भी टीवी चैनल जो है उसको ऑन करोगे, उसमें डिबेट एंड डिस्कशन जो होता है उसमें हर पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर एलिगेशंस लगाती है, चाहे रूलिंग पार्टी है चाहे ऑपोजिशन पार्टी। तो दैट इज इन ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री। अब आप देखना, रिसेंटली अफगानिस्तान में कोई भी ऐसा वीडियो नहीं आएगा जहां पे लोग तालिबान के अगेंस्ट बोल रहे हैं, क्योंकि नाउ मीडिया इज अंडर द कंट्रोल, सेंसरशिप हो गई है, ठीक है। तो ये तो था सारा डेमोक्रेटिक। अब आ जाइए डीमेरिट्स, मैंने बहुत प्रेज कर ली, ठीक है। डीमेरिट्स में हमने क्या बताना है? नेगेटिव। लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूरा 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग हमने प्रिपेयर किया, लेकिन डीमेरिट्स में हमने 1 मार्क के अकॉर्डिंग जस्ट बताना है व्हाई डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ कंट्रीज जो है दैट इज अनस्टेबल। नंबर वन, अनस्टेबल, पीपल कीप ऑन चेंजिंग, 2 साल के बाद या 3 साल के बाद, 5 साल के बाद मिनिस्टर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। क्या कोई जब चेंज होता रहेगा, क्या कोई अपनी पोस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? बहुत कम ऐसे होते हैं, ठीक है। आगे से आगे क्या हो रहा है, ऑनेस्टी जो है वो खत्म हो रही है, और करप्शन, करप्शन जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। हाँ, आप देखते हो कि गवर्नमेंट जो है वो रोड्स बनाती है, 6 मंथ्स के बाद ही रोड्स डैमेज हो जाती है, मे बी मटेरियल जो है प्रॉपर नहीं है, और उन रोड्स के लिए जो फंड था वो शायद फंड जो है वो प्रॉपर वहां पे नहीं मिला है, करप्शन इज देयर। और सेंटर गवर्नमेंट स्टेट को फंड देती है, स्टेट गवर्नमेंट आगे लोकल या विलेज को फंड नहीं दे पाती, जिसके कारण अभी भी हमारे विलेजेस जो है दीज आर नॉट डिवेलप एज कम्पेयर टू सिटीज, ठीक है। देन रोल ऑफ कास्ट, रिलीजन, इलेक्शंस के लिए हमारी कंट्री में भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो रिलीजन को यूज करती हैं। सम टाइम पीपल दे आर चेंजिंग पार्टीज, डिफेक्शन, इसको क्या बोलते हैं? डिफेक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफेक्शन? चेंजिंग पार्टी। बेस्ट एग्जांपल आपके सामने कौन है?
हाँ जी है ना, ठीक है। तो पार्टी के जो है उसको चेंज करना, तो दैट इज कॉल्ड डिफेक्शन। कई लोग क्या करते हैं, पावर लेने के लिए, पोजीशन लेने के लिए कीप ऑन चेंजिंग द पार्टीज, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि लोग जो हैं 50% अगर वोट आप पर्सन को देकर दे रहे हो तो 50% आप पार्टी को भी वोट देते हो, क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी, सपोज आपकी फैमिलीज भी हैं वो किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करती होंगी ना, पर्सन कोई भी हो डजंट मेक एनी डिफरेंस, आपने किसको वोट करना है, पार्टी को, क्योंकि आपको स्टार्टिंग से ही आपकी फैमिली पार्टी को वोट करे, ठीक है। तो डिफेक्शन का मतलब अगर पर्सन पार्टी चेंज कर लेगा तो वो क्या कर रहा है, अपने जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको वो चीट कर रहा है, यस दैट इज डिफेक्शन। देन मसल पास, मनी एंड मसल पास, इसका मतलब है इलेक्शन में पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। मसल पावर मतलब यूपी बिहार की तरफ देखो, वहां पे कई बार बूथ कैप्चरिंग हो जाती है, कई बार गन पॉइंट के ऊपर लोगों को वोटिंग के लिए, इवन कई बार तो पुलिस को भी साथ में सपोर्ट कर लिया जाता है ना। तो ये बहुत हमारी कंट्री में देखा गया है, आजकल हमारी कंट्री में ये जो ट्रेंड है वो उन स्टेट्स में है जहां पे मसल पावर ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो ठीक है, गन के बेस के ऊपर लोगों से वोटिंग करवाना, ठीक है, और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ये भी देखा गया है। इन प्रॉब्लम्स के कारण हम कह सकते हैं कि हमारी कंट्री में 100% जो लोग हैं वो वोट करने के लिए नहीं आते, अभी भी टर्नआउट पता कितना है, 57% वोटिंग टर्नआउट, कि टोटल पॉपुलेशन में से कितने परसेंट लोग वोट करते हैं, बाकी लोग वोट क्यों नहीं करते हैं, नंबर वन हॉलीडे एंजॉय करते हैं, वोटिंग वाले दिन हिल स्टेशन चले जाते हैं, थर्ड कोई भी पार्टी उनको सभी आइडियोलॉजी सेम ही लगती है, उनको ये लगता है कि किसी भी पार्टी को वोट करेंगे डजंट मेक एनी, हमारा क्या होगा हमें, लेकिन अगर हर पर्सन ऐसा सोचेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, फिर वही लोग जीतेंगे जिनको ये लोग जिताना चाहते, ठीक है, उनके वोट्स को क्या किया जाएगा, मिसयूज किया जाएगा। आप वोट करने नहीं गए लेकिन जाओ, अगर अपनी किसी भी पार्टी को वोट नहीं करनी है, नोटा NOTA वर्ड जो होता है उस पे करो, है ना, अदर्स पे कर दो, लेकिन जरूर जाओ ताकि आपके वोटिंग कार्ड को कोई मिसयूज ना, ठीक है, टोटल में से 18 नहीं, ये सिर्फ हम वोटर्स की बात कर रहे हैं, वोटर्स, ठीक है, टर्नआउट की बात कर रहे हैं कि अभी भी लेस परसेंटेज है इसमें। नेक्स्ट जो है वो है नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, आपको मैंने नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज बताई है कौन कौन सी, नंबर वन नंबर टू फिजी, नंबर थ्री नहीं वो मैक्सिको अपने आपको डेमोक्रेटिक कहते हैं, हमने ये कंप्लीट नॉन, इसमें आप लेटेस्ट और लिख लो, इलेक्शंस ही नहीं है ना, कैप्चर कर लिया गया तो ये नॉन डेमोक्रेटिक ही आएगा अभी भी, है ना। नंबर वन, व्हाई सऊदी अरेबिया इज कॉल्ड नॉन डेमोक्रेटिक, बिकॉज़ फॉर मेनी इयर्स दे हैव नॉट ग्रांटेड राइट टू वोट टू वुमेन, वहां पे रूलिंग अथॉरिटी है, मनार्की सिस्टम है, लेकिन कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिनके लिए इलेक्शंस होते हैं, बट ओनली दीज पोस्ट वर कन्फाइंड टू मैन ओनली नॉट वुमेन, मीन्स डिस्क्रिमिनेशन इज देयर, दिस कंट्री इज नॉट सेकुलर, ये सेकुलर नहीं है, स्टेट रिलीजन यहाँ पे इस्लाम है, एंड इम्पॉर्टेंट जो पोस्ट हैं वो इस्लाम रिलीजन को दी जाती है, और बाकी कम्युनिटीज के साथ क्या है, डिस्क्रिमिनेशन। बहुत रेयर सुना होगा कि इंडिया के लोग जो है वो वहाँ पे सिटीजनशिप मिली है ना, तो वहाँ पे देते ही नहीं है क्योंकि वो कंपेरिजन है, डिस्क्रिमिनेशन है वहाँ पे। फिजी, फिजी जो एक कंट्री है, इस कंट्री में जो यहाँ के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स, ओरिजिनल जो है इनहैबिटेंट्स, इनहैबिटेंट्स का मतलब जो शुरू से फिजी में रह रहे हैं, ठीक है, अगर ये वोट, अगर ये वोट करते हैं तो, अगर ये एक वोट करते हैं तो उसको दो माना जाएगा, सपोज अगर 100 लोगों ने वोट किया है ना, तो वो कितना गिना जाएगा, 200, ऑटोमेटिकली फिर इनकी ही मेजोरिटी होगी। दूसरी तरफ जो इंडियन है, जो इंडिया से गए हैं वहां पे, चाहे वो उनकी फैमिलीज, अब सपोज कोई फैमिली इंडिया गई, वहां पे बच्चे जो है वो फिजी में रह रहे हैं, नो डाउट उनको सिटीजनशिप भी मिल गई है, लेकिन वो है क्या है, इंडियन फिजी, उनकी रेस क्या है, वो इंडियन है, अगर वो वोट करेंगे तो उनका वोट जो है वो क्या माना जाएगा, वन, और अगर 100 लोग वोट करेंगे तो वो 100 ही माना जाएगा,
ऑटोमेटिकली मेजोरिटी किसकी है? ओरिजिन। तो इंडियन कभी भी ओवरूल नहीं कर पाएंगे, तो कितना सिस्टम उन्होंने जो है वो डिस्क्रिमिनेशन रखा हुआ। ठीक है, देन एस्टोनिया। एस्टोनिया में जो लोग रशियन हैं उनको माइनॉरिटी कहा जाता है। जैसे अगर इंडिया की बात करें, अब यहां पे चेंज कर दो, ये इंडिया, यहां पे मैं लिख दू मुस्लिम और वो क्या है, माइनॉरिटी। क्या मुस्लिम्स के साथ राइट टू वोट में कोई डिस्क्रिमिनेशन है? नो। लेकिन यहाँ पे क्या है, एस्टोनिया में रशियंस दे आर रिगार्डेड एज माइनॉरिटी एंड दे आर नॉट गिवन राइट टू वोट। जो माइनॉरिटीज हैं उनको राइट टू वोट नहीं मिला। ठीक है, सो ये और कुछ रीजन है। अफगानिस्तान का तो लेटेस्ट एग्जांपल है कैप्चर बाय तालिबान, और तालिबान ग्रुप जो है वो कभी भी डेमोक्रेटिक नहीं होगा, ना इलेक्शन होंगे और वोटिंग राइट नहीं होंगे, है ना। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जो नॉन डेमोक्रेटिक है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि राइट टू बेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज, नंबर वन यूएसए, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका बेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज। ठीक है, अब इसमें कुछ नाम नहीं है जो मैंने आपके साथ केस स्टडीज डिस्कस की। व्हाई? नंबर वन, क्यों पाकिस्तान बेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं आता? Why Pakistan can't be called 100% democratic? Number one, अब इसमें आपको वन मार्क questions. Who took military? Who led military coup in the Pakistan? परवेज, जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ। 1999, who led military coup or military attack in Pakistan? पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इसने ओवरथ्रो कर दिया। अब मैं हर क्लास में ना अफगानिस्तान का एग्जांपल दे रही हूँ, क्योंकि ये आपके सामने एक ना मतलब रीसेंट एग्जांपल है। तालिबान ग्रुप ने क्या किया, अफगानिस्तान की पार्लियामेंट हाउस, प्रेसिडेंट हाउस जो था पूरा, उसको क्या कर लिया, हाईजैक कर लिया। और ये सोचो कि जो प्रेसिडेंट थे वो किसी ना किसी तरह से कंट्री छोड़कर चले गए। तो अब सभी लोग अफगानिस्तान के लोग जो है वो उनको ट्रीजन कह रहे हैं, देशद्रोही कह रहे हैं कि कंट्री को छोड़कर चले गए, है ना। तो अब अल्टीमेटली तालिबान के बहुत से ऐसे लोग हैं जो कंट्री छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन अब जो लोग वहां पे रह जाएंगे उनका क्या होगा, तो अभी तक उनका फ्यूचर डिसाइड नहीं है, है ना। अब तो अभी क्लियर नहीं है कहाँ गए हैं, तो ये तो अब कहते हैं ना कि अंडरग्राउंड। हाँ जी, नेक्स्ट है, नेक्स्ट आप बताइए, इन विच ईयर परवेज मुशर्रफ कंडक्टेड रिफरेंडम, कौन से ईयर में रिफरेंडम करवाया था? 2002। इन विच ईयर परवेज मुशर्रफ कंडक्टेड रिफरेंडम इन द कंट्री। अब आपको वन मार्क क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इलेक्शन एंड रिफरेंडम? इलेक्शन क्या होता है? इलेक्शन सपोज मैं आपको ये कहती हूँ कि बेटा आपकी क्लास में एक दिन मैंने इलेक्शन करवाना है, एक दिन रिफरेंडम करवाना। जिस दिन इलेक्शन होगा, ठीक है, आपकी क्लास में से दो कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जो है वो यहाँ पे होंगे, आप उनको अगर इलेक्ट करना चाहते हो, आपके पास एक स्लिप दी जाएगी आपको, आप उनका नेम लिखोगे, आप किसको वोट करना चाहते हो, किसको मॉनिटर बनाना चाहते हो, उसको आपने क्या कर देना है, वो काइंड ऑफ एक बैलेट पेपर होगा, आपने उसको बॉक्स में डाल देना। देन वी विल काउंट, हम काउंट करेंगे कि कितने आपने किस पर्सन को कितने ज्यादा वोट मिले हैं, दैट विल बी डिक्लेयर्ड एज विनर। ये होता है इलेक्शन, जिसमें आपको चॉइस दी जाती है, दो की जगह तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, जैसे हमारे इंडिया की जो इलेक्शन होते हैं। ईवीएम जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है, उसमें 30 से ज्यादा लीडर्स के नाम होते हैं, चॉइस होती है, वो आपके ऊपर है कि आपने किस लीडर को इलेक्ट करना है। इवन मैंने अब जैसे आपको बताया नोटा भी होता है कि आप इलेक्शन देने के लिए आए, करने के लिए आए, लेकिन आपको इसमें से कोई भी पसंद नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि हमारा जो वोट है वो वेस्ट ना हो, इसलिए आपने अपना एक गुस्सा शो किया है कि इनमें से तो हमें कोई भी पसंद नहीं। रिफरेंडम का मतलब क्या होता है? रिफरेंडम का मतलब क्या होता है कि आपके सामने सिर्फ एक ही पर्सन है, ठीक है, एक ही पर्सन है, और मैंने आपको ये बताना है कि बच्चे आपने इसको मॉनिटर बनाना है या नहीं बनाना, राइट, यस और नो, आपकी चॉइस क्या हो गई? चॉइस है आपके पास? कोई चॉइस नहीं, आपने सिर्फ क्या लिखना है, यस और नो। अब आपने जो लिखा वो मेरे पास है, मैं उसको कन्वर्ट भी कर सकती हूँ, मैं नो की जगह क्या कर सकती हूँ, यस। तो ये होता रिफरेंडम। रिफरेंडम का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट वोट होता, ये भी डायरेक्ट वोट है, इन विच पीपल दे आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एनी प्रपोजल। Referendum is a kind of vote in which people they are asked to accept or reject any proposal. और
जनरल परवेज मुशर्रफ के बारे में पाकिस्तान ने लोगों ने क्या कहा, ये शो नहीं किया गया, बट ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री आफ्टर 2002। क्लियर? सो दिस इज द वे वी कैन से दैट वहां पे क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ आर्मी इज देयर। जहां पे जिस कंट्री में आर्मी की इंटरफेरेंस होगी वहां पे जो लोग हैं वो फ्री नहीं होंगे, उनको हमेशा डर होगा कि अगर हमने इसको नहीं इलेक्ट किया या कुछ भी गलत किया तो आर्मी जो है उस पर अटैक कर सकती है। नेक्स्ट इज वहां पे आर्मी जो कमांडर, आपको अपनी कंट्री के जनरल का नहीं पता होगा लेकिन आपको पाकिस्तान का पता होगा, उनका नेम बहुत फेमस होता है, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर, और जो मिलिट्री उनके कमांडर है कौन है, बाजवा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए चाइना। आफ्टर हाउ मेनी इयर्स इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन चाइना? 5 years, लाइक इंडिया सेम अटर्म 5 years। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ चाइना? पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी, पार्लियामेंट का नाम एनपीसी, नेशनल पीपल कांग्रेस। ध्यान से नोट करो, वन पार्टी, चाइना वन पार्टी नेशन है। वन पार्टी नेशन का मतलब ये नहीं कि और भी पार्टीज नहीं है, हैं, लेकिन हमेशा एक ही पार्टी जो है वो जीतती है, क्योंकि चाइना अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहता है लेकिन हमेशा एक ही पार्टी जीतती है। पार्टी का नाम क्या है? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। एनपीसी है पार्लियामेंट, जैसे हमारी कंट्री की लोकसभा। लेकिन पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए पर्सन को अप्रूवल किससे लेनी पड़ेगी? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो दैट इज नॉट फेयर। अगर एमपी बनना है और पार्टी की परमिशन लेनी है तो जो पार्टी कहेगी वही लॉ बनेगा। ठीक है, एनपीसी नेशनल पीपल कांग्रेस पार्लियामेंट। देन मैक्सिको, इन विच ईयर मैक्सिको गेन्ड इंडिपेंडेंस? 1930। इन विच ईयर मैक्सिको गेन्ड इंडिपेंडेंस? 1930। ये डिफरेंट है, हमेशा याद रखना। मैक्सिको का इलेक्शन टर्म फॉर हाउ मेनी ईयर्स प्रेसिडेंट आर इलेक्टेड इन द कंट्री? 6 years टर्म, इलेक्शन के टर्म वहां पे क्या है, 6 years है, ये डिफरेंट है। देन वाइट रूल, यूरोपियन से। नेक्स्ट इज नेम द पार्ट ओनली पार्टी ऑफ मैक्सिको। ओनली पार्टी का मतलब डजंट मीन कि एक ही पार्टी है, सो मेनी पार्टीज आर देयर, पर हमेशा यही पार्टी जो इलेक्शन जीतती है। पीआरआई, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, पीआरआई के फुल फॉर्म, वन मार्क के लिए, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। विच पार्टी प्ले डर्टी ट्रिक्स इन मैक्सिको? पीआरआई, है ना, कोई भी क्वेश्चन आए। देन जिम्बावे, इसका भी सेम पार्टी आपको जेड से याद रखना है, जेड ए एन यू पी एफ। पार्टी का नेम कैपिटल में लिखना, जेड ए एन यू पी एफ, जेनू पी एफ पार्टी का नेम, और लीडर रॉबर्ट मुगाबे। यस, जिसने अपने आपको कंट्री का क्या डिक्लेयर किया, प्रेसिडेंट फॉर 17 years। जेनू पी एफ लीडर का नाम रॉबर्ट मुगाबे। He declared himself as a president of country for 17 years. 5 years के बाद लोगों को दिखाने के लिए elections करवाए जाते थे, result change हो जाता था और हमेशा वही president बनके लोगों के सामने present होता। Then TV media control किया, और किस year में इसने अपनी post को जो है post से resign किया? 2017. Write down in which year Robert Mugabe resigned फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। करना पड़ा क्योंकि लोगों ने रिवोल्ट कर दिया था, नाउ तो उनकी डेथ हो चुकी है ना। रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट 2017, बट पार्टी इज देयर, पार्टी अभी भी वही है। नेक्स्ट, विच वर द वर्स्ट फेमाइन कंडीशन ऑफ चाइना एंड इंडिया? कौन सा ईयर, ईयर बताना है आपने, 1958 to 1961, मोर देन 3 crore पीपल डाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड ड्यू टू दिस। ठीक है, so this was all about
our chapter? Any doubt? Any doubt, online students? Hanji Jab ji. Yes. Hanji. दोनों मोनार्की और ऑटोक्रेसी रूल में एक ही रूलर होता है, मैम दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या हो सकता है? मे बी मोनार्की सिस्टम हेरिडिटरी होता है, जैसे आपने याद है मुगल डायनेस्टी, याद करो मुगल डायनेस्टी में बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं का बेटा, अकबर के बाद फिर जहांगीर, औरंगजेब और लास्ट मुगल एम्परर कौन? बहादुर शाह जफर। कई बच्चों को पता क्या लगता है, बहादुर शाह जफर इज द सन ऑफ औरंगजेब, पर ऐसा नहीं है। औरंगजेब की डेथ हुई थी 1707 और उसके बाद 100 इयर्स के बाद 1857 के रिवोल्ट में बहादुर शाह जफर। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ मोनार्की सिस्टम, जिसमें एक ही डायनेस्टी रूल करती है, एक ही फैमिली रूल करती है, लेकिन दे वर नॉट एनफ कॉम्पिटेंट टू कंट्रोल। और उस टाइम पीरियड में हमारी कंट्री में हम ये कह सकते हैं कि आगे से आगे मुगल डायनेस्टी का लास्ट पावरफुल रूलर औरंगजेब ही माना गया। उसके बाद वीक रूलर से तो वो कंट्री को या डायनेस्टी को प्रॉपर जो है वो संभाल नहीं पाए। एंड इनकी प्रॉब्लम क्या थी ना इस डायनेस्टी में, रूल क्या था, अगर उनके मतलब डायनेस्टी में चार लड़के हैं, पांच लड़के हैं, कोई भी बन सकता है किंग, मतलब ये नहीं हो कि बड़ा लड़का ही बनेगा, तो दे कीप ऑन क्लैशिंग विद ईच अदर, ये मेन प्रॉब्लम होती थी, है ना। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है, इसमें फैमिली सिस्टम नहीं होता, फैमिली सिस्टम नहीं होता, इसमें हेरिडिटरी नहीं होता, डिक्टेटर में हो सकता है कि उसके अंडर कोई और जो पर्सन है उसका फेथफुल हो वो बन सकता है। ठीक है जब जी, क्लियर? यस जिया एंड जानवी। मैम हाँ जी, कीप माइक ऑन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिक्टेशन